नाज है और मैं F62 सौ क्वार्टर से बिलोंग करती हूँ और मैंने ग्रेजुएशन BA मार्गला कॉलेज से किया और उसके बाद मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकती थी इसलिए कि कुछ प्रॉब्लम्स थी बच्चों की वजह से। जब हमने ये स्टार्ट, मेरी भाभी ने और मैंने जब ये स्टार्ट किया तो उन्होंने आइडिया दिया, तो हम फिर अम्मी ने काफ़ी इंकरेज किया कि अच्छी बात है आप इसे करें, तो इसलिए हमने इसको किया और फैमिली ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने, सभी ने सपोर्ट किया और थैंक गॉड कि हम इसको कर रहे हैं। 3 साल हो गए हम इसे कंटिन्यूसली कर रहे हैं और अब ये बच्चे मेरे पास 15 से 12 मतलब इस तादाद में है जो पहले स्कूल नहीं जा रहे होते हैं, फिर वो बच्चे होते हैं और इधर पोइम्स वगैरह सारी एक्टिविटीज़ में इनको एक्टिविटीज़ भी करवाती हूँ और टाइमिंग मेरी 10 to 12 है क्योंकि ये बच्चों को स्कूल में एडमिशन बच्चों के नहीं लेते क्योंकि जब तक उनकी बेस कुछ सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ ना कुछ बच्चों को आता हो, तो थैंक गॉड के वो बच्चों का अब पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं। अभी जो मुझे इससे पहले जो मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ तो वो बच्चे कुछ पोजीशन होल्डर हैं। पहले हमारी अकेडमी पिछली गली में थी तो उस वक्त एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें कोई ज़रूरत इतनी खास पड़ती नहीं थी, तो क्योंकि सामने था, मेन पे था, तो इसलिए सबको पता चल जाता था। अब जो है वो पेरेंट्स एक दूसरे को बताते हैं तो इस तरह मेरे पास बच्चे आते हैं। ग्रेजुएशन मैंने फाइन आर्ट्स में की है और मेरी कोशिश ये है कि अब मैं आर्ट्स में आगे मैं बढ़ूँ। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर मैं ये उन तमाम माओं, उन बहनों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा ने हर एक ज़िंदगी में एक टैलेंट रखा है, उस टैलेंट को अपनी ज़िंदगी में पहचाने और कुछ ना कुछ ज़रूर अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें ताकि वो आप बेहतर तौर पे अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर तौर पे बना सकती हूँ। और आप यूँ घर में बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप फारिग बैठें, टाइम वेस्ट करें, इसलिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर कोई काम छोटे से छोटे पैमाने पर आप शुरू करें।